रहमतुल्लाह और आपका फिर से खैर मकदम है अलहम दवाखाने में। मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद दिलशाद माशाल्लाह से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग खैरियत आफियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें खुशगवार भी रखे, उनकी तबीयत को हशाश व बशाश रखे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी प्रॉब्लम्स को सारी परेशानियों को दूर करे। तो बहुत सारे लोगों का पैगाम आता है कॉल के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से, और बहुत सारे लोग दवाई हासिल करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बाई चांस कभी किसी को कॉल आ गया तो बिजी जाता है नंबर, लेकिन आप कंटिन्यू लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे हमारी बात हो जाएगी। ठीक है, आप हमसे बात कर सकते हो। तो देखो, आज हम लेकर हाज़िर हुए हैं उन नौजवानों के लिए, शादीशुदा हजरात के लिए कि जिनकी टाइमिंग वगैरह कम है। आज के दौर में ये समस्याएं बहुत पाई जा रही हैं हमारे नौजवान और शादीशुदा हजरात के अंदर, लेकिन इसमें असल में ऐसा होता है बहुत सारे लोग अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी को बेकार करते हैं। भाई देखो, गुनाह से सबसे असल चीज़ है गुनाह से बचना। आप अगर गंदी चीज़ों से बच जाओगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। गुनाह क्या? अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को बेकार करना, वही मुश्तज़नी हस्त मथुन करना। दूसरी चीज़, हम नहीं देखते हैं कि अपनी वाइफ को भूल जाते हैं और दूसरी पराई औरत के साथ में, लड़कियों के साथ में भाई वही सटियाबाजी करना, उसमें लग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। भाई इस गुनाह से बच जाओ वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। शादीशुदा हजरात भी लग जाते हैं और जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई गर्लफ्रेंड बना लेते हैं और उनके साथ में टाइम पास करते रहते हैं। टाइम पास आप इनके पास में आज कर रहे हो, लेकिन भाई साहब कल को आपकी वाइफ को क्या जवाब दोगे आप? ये बात आप याद रखो भाई, ज़िंदगी अच्छी बनाओ अपनी वाइफ के लिए, समझ गए? आपका वो ज़िंदगी का सफ़र है, आपका हम सफ़र, आपका असल साथी वो है आपकी वाइफ। तो गुनाहों से आप बचेंगे इंशाल्लाह, आज से तौबा करो और गुनाह से बचना है, गंदी चीज़ों से बचना है, फजूल लोगों से बचना है। ठीक है, तो आज हम आपको ये नुस्खा दे रहे हैं, बना लेना, पक्का 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको करना है कि हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना है, और आगे आप लोग शेयर नहीं करते हो, फॉरवर्ड नहीं करते हो दूसरे हजरात तक, और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। बड़ा मुश्किल से आप तक हम ये दवाई पहुंचाते हैं, लेकिन आपका फ़र्ज बनता है हल्के से सब्सक्राइब कर दो, समझ गए? तो आज हम आपके सामने नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आपको लाना है सफ़ेद मूसली। कितना? सफ़ेद मूसली आपको लाना है 50 ग्राम। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको इसमें मिलाना है सालब पंजा। कितना? 30 ग्राम। तीसरी चीज़ इस आपको इसमें मिलानी है जदवार। कितना? 50 ग्राम। चौथी चीज़ आपको इसमें मिलानी है तारा मीरा। क्या मिलाना है? तारा मीरा। कितना? 60 ग्राम। ये चारों दवाइयों को आपको पंसारी के यहाँ बड़ा आसानी के साथ में, सहूलत के साथ में मिल जाएंगी। लाकर इसका पाउडर सफ़ूब बनाना है, पीस कर, कूट छान कर, जैसे भी आपके पास में जो भी चीज़ें हैं कूट छान कर इसका सफ़ूब बना लो, और इसमें कच्ची खांड आपको मिलाना है। कितना? 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम कच्ची खांड मिलाना है। मिला के इसका सफ़ू बना लिया आपने, एक चम्मच सुबह को निहार मुँह दूध के साथ में लेंगे और एक चम्मच रात को सोते समय आप लेंगे। कंटिन्यू आप ये तीन चार महीने खा लो, इंशाल्लाह परेशानी जड़ से समाप्त हो जाएगी। जड़ी बूटियों का देखो तभी रिजल्ट मिलता है जब हम 1 से 2-3 महीने खाएंगे। ये नहीं कि आपने 10 दिन खाई और आपको फ़ायदा हुआ आपने छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो 10 दिन में फ़ायदा कर सकती है, कभी 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी, 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हड्डियों को, जड़ों को मजबूत करेगी ये चीज़, समझ गए? कोई भी चीज़ होती है, आप मकान बना रहे हो तो उसकी बुनियाद आपके लिए मजबूत बनानी पड़ेगी, तभी आपका ऊपर का मसला असल बढ़िया रहेगा। तो वीर्य आपका जब ही मजबूत बनेगा जब हमारे शरीर के अंदर अच्छा माल मटेरियल जाएगा और ज़्यादा मात्रा में जाएगा। तो आप ज़्यादा लंबे समय तक खाओगे तो आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारे लोग कम खाते हैं और शिकायत कर देते हैं, होता है ऐसा, दूसरे हकीमों से खाए उन्होंने 1 महीने दवाई, नहीं रिजल्ट मिला तो उन्होंने छोड़ दी दवाई, लेकिन आप ये कंटिन्यू खाओ। बनाकर नहीं बनाया जा सके तो आप ये अलहम दवा खाना के दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप दवाई प्राप्त हासिल कर सकते हो, आपका इलाज इंशाल्लाह किया जाएगा, समझ गए? और हमारे पास में भी आकर दवाई आप हासिल कर सकते हो अपनी परेशानियां बताकर, और रिजल्ट आपको इंशाल्लाह ज़रूर भी ज़रूर मिलेगा, कोई भी कैसी परेशानी हो। ठीक है, तो आप ये बनाएं, बनाया जा सके, नहीं बनाया जा सके तो आप ये बनाएं।
और दुआ आखिर में रखना, नेक्स्ट वाली वीडियो का इंतजार करते हैं। जब तक के लिए आपको इजाजत दी, जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लाइक भी कर दो और कमेंट्स में हमें बता दो, आगे शेयर भी जरूर करना। बहुत सारे लोग शर्मिंदगी की वजह से नहीं बता पाते हैं, शर्मिंदगी का इसमें कोई मसला नहीं है, शर्मिंदगी छोड़ो, अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाओ। नेक्स्ट वाली वीडियो को मिलते हैं, आज के दिन ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।